मारिया खान मानसेरा से हज़ारा ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट। सो मेरी तरफ से आज पूरे पाकिस्तान को, जैसे कि आपको पता है कि आज हम 2021 में अपना कदम रख रहे हैं, तो मेरी सबके लिए ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको रोज़ी दे, रिज़िक दे एंड बहुत सारी इज्जत दे, आमीन सुम आमीन। तो मेरी तरफ से और हमारे चैनल यूट्यूब मानसेरा वेडिंग की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, आई लव यू फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलजी मानसेरा से ट्रांस एक्टिविस्ट। तो मैं बात करना चाहूँगी एक नए आने वाले साल के बारे में। एक साल गुजरने को है, ख़त्म होने को, और एक साल नया शुरू होने को। गुजरे सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? अपनी बात करूं तो मैंने एक बहुत ही कीमती रिश्ता खोया, अपनी माँ। तो बाकी सबकी माओं के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि माएँ सबकी एक जैसी होती हैं। बात करूं अपनी कम्युनिटी के हवाले से कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सब कुछ चेंज होता जा रहा है, हर कुछ माहौल के साथ, टाइम के साथ एक चेंज होता जा रहा है। लेकिन अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो मेरी कम्युनिटी वहीं की वहीं है। सिर्फ एक बस अपना फ़ायदा सोचने के बारे में हर कोई, कि मैं एक से आगे बढ़ जाऊँ, मैं उससे आगे रहूँ, मेरा ज़्यादा नाम आए, मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। रिश्तों की कोई पहचान ही नहीं है। तो खुदारा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता है, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता है, चाहे वो अपने कम्युनिटी में अपने गुरु और चेले का रिश्ता है। तो प्यार मोहब्बत पैदा करें। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अपने अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करें, तो फाक से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, इन जो साल गुजर रहा है इस साल में कितने लोग चले गए, कोई भी अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया। वही लेके गया अगर उसने दुनिया में प्यार मोहब्बत पैदा किया, या एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आया, या जो अच्छे काम किए वही लेके गया है, बाकी कोई भी कुछ साथ लेके नहीं जाता। तो मेरी दरख्वास्त है अपनी कम्युनिटी से ख़ास कि आपस में खुदारा प्यार मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन अपने अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग पैदा करें। एक ये नहीं है कि अपने दिमाग में, अपने जहन में एक ही चीज़ को ना बैठाएं कि बस मैंने फंक्शन करना है। फंक्शंस के अलावा भी बहुत कुछ है, फंक्शन के अलावा भी आप लोग अपने लिए, अपने अंदर कोई चीज़ पैदा करो, अपने लिए लड़ो, दूसरे के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो आप लोग जी सकते हो, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हो। अगर आप दूसरों के साथ कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए तो कुछ कर सकते हो, चेंजिंग पैदा करो आप। मैं बाहर की मतलब आउट ऑफ कंट्री, मतलब मानसरा से अगर बाहर जाती हूँ कहीं, तो वहाँ पे मैं अगर अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि वो लोग अपने लिए कैसे बोलते हैं, अपने लिए कैसे लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ वैसे का वैसा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही, बस एक ही चीज़ पर जोर है कि मैंने फंक्शन करना है, तो मैंने फलां जगह पर जाना है, तो मैंने उससे ज़्यादा आगे ये करना नहीं। तो मैं आप लोगों से बार बार यही अपील करती हूँ कि खुदारा सिर्फ एक ये नहीं होता, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो साथ जो लेके जाते हैं वो लोगों की अच्छाइयाँ, आप लोगों के साथ जो अच्छाइयाँ करते हो, जिन अच्छा पेश आते हैं लोगों के साथ, वही चीज़ें साथ जाती हैं। क्योंकि जब दुनिया से एक बंदा चला जाता है, उसके पीछे कोई एक बंदा उसको अच्छा बोलने वाला होता है, तो अल्लाह पाक इस बात पर खुश होता है कि मेरे बंदे को किसी ने अच्छा बोला है। तो क्या पता उस एक अच्छा है कि जो लफ्ज़ होता है उसकी वजह से भी खुदा पाक उसको माफ़ कर दे, उसकी मोहब्बत कर दें। तो अपने अंदर प्यार मोहब्बत पेश करें, अपने अंदर मतलब एक दूसरे की पहचान करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, अपने से जो बड़ा है उसकी इज्जत करें, जो छोटा है उससे भी प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो एंड में मैं मतलब है कि आप जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको नए आने वाले साल की मुबारकबाद देती हूँ, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपका आने वाला जो नया साल है ये भी खुशियों भरा हो,
आप सबको अल्लाह मतलब खुशियाँ दे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश रहने की तौफीक दे। मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल मानसरा वेडिंग की वालों की तरफ से भी आपको दिल से नए आने वाले साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों एंड हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सबके ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बात कर रही हूँ मैडम खानी, मिस एबटाबाद। मेरी तरफ से यूट्यूब चैनल मंसिरा वेडिंग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक हमारे साल बहुत बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। 2020 तो बहुत मजबूत गुजरे, अल्लाह पाक ये साल हमारा बहुत अच्छा करे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सर? मैं चॉकलेट मानसरा से, मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल मानसरा वेडिंग की तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। हाय, आई एम रीमा मुजफ्फराबाद। मेरी तरफ से और यूट्यूब मानसरा वेडिंग की तरफ से नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आर फ्रेंड कैसे हो, ठीक हो? मैं मानसरा से कृष्णा बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल मंसरे वेडिंग की तरफ से हैप्पी न्यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशान फ्रॉम कराची। मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल मंसरे वेडिंग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समद निशु कराची से। मेरी जानिब से यूट्यूब चैनल मंसरे वेडिंग की जानिब से हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहनत लाहौर से। मेरी तरफ से और यूट्यूब मंसरा वेडिंग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल मंसरा वेडिंग की जानिब से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कराची की मिस डॉलर। मेरी जानिब से और यूट्यूब चैनल मानसरा वेडिंग की जानिब से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हाय, मैं हूं थपकी प्यार की मानसरा से। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक। मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल मानसरा वेडिंग की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मेरी दुआ ये साल आपका अच्छा गुजरे। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदर फ्रॉम मानसरा। मेरी जानिब से और यूट्यूब मानसरा वेडिंग की जानिब से हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेरी यही दुआ।